हाय दोस्तों, मैथ में क्वेश्चन है कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2.3×4 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। मतलब कि आयत का परिमाप दे दिया 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया और लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो 2 × परिमाप कितना है 13 सेंटीमीटर है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता था, लेकिन 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है, तो ये दोनों का पूर्णांक को तोड़ लेंगे तो 4 × 2 = 8, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11/4 हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया और 13 हो गया। 13 परिमाप को भी लिखेंगे, उसके बाद लंबाई प्लस कर देंगे और 11/4 जो गुना में 2 है इसको हम उधर लाएंगे तो भाग में चला जाता है, बराबर 13/2 हो जाएगा। और जो अभी प्लस है इसको बराबर को उधर ले जाएंगे, प्लस है इधर बराबर को उधर लिखेंगे तो क्या है, प्लस उधर माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे लंबाई बराबर 13/2 माइनस 11/4 लिख लेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 4 और 26 माइनस 11 हो जाएगा, 26 में से 11 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 15 बचेगा, तो 15/4 ये आपका क्या होगा लंबाई निकल के कितना है 15/4 सेंटीमीटर। तो अब इसी तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को अब इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।